हेलो, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। देखो, मैं ना ये होम रेमेडी बना रही हूँ, मेरे बालों के लिए बहुत अच्छी है। ये है आंवला सूखा, इसको मैं कूट के और इसको थोड़ा ना मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ, और इसको कूटने के बाद इसमें मैंने डाला करी पत्ता। इसको थोड़ा ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा हल्का सा, फिर उसके बाद मैंने करी पत्ता डाला, और करी पत्ता डालने के बाद मैंने फिर इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद ये ना थोड़ा सा इसमें ना 2 या 3 बूंद नींबू डाल लेना है, बहुत अच्छा बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैंने इसको ग्राइंड करने जा रही थी मैं, और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया इसको मिक्सर में। और पीसने के बाद फिर देखो इसको ना मैंने, क्योंकि आंवला है बहुत अच्छा वो दिखता है, इसका बहुत मतलब कलर अच्छा आता है आंवला का। और ये मैंने इसको अच्छे से पीस के मतलब बारीक से, और फिर मैंने निकाला। फिर डालना था मुझे मेहंदी में पानी, तो मैंने 1 गिलास पानी डाला, और उसके अंदर फिर मैंने चाय पत्ती गैस पर चढ़ाया था, एक फ्राई पैन, उसमें मैंने चाय पत्ती दो दो चम्मच चाय पत्ती डाला है। और चाय पत्ती डालने के बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाला है, क्योंकि इसका कलर ना बहुत अच्छा हो जाता है इससे मेहंदी में, और इस पानी को डालने से ना कलर बहुत अच्छा आता है, बालों को भी कलर अच्छे से लगता है। और बाल में क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाल ना पहले बहुत हल्के थे, अभी थोड़ा ठीक होने लगे हैं, और क्योंकि मुझे ना बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, क्योंकि मैं ना मेरे को इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने दवाइयाँ खाई थी, दवाई खाने से मेरे बाल बहुत झड़ गए थे। अभी ना बहुत अच्छे हो गए हैं इस तरह से, मतलब हमें रेमेडी यूज़ करने से। और मैंने देखो ये एक लोहे की कढ़ाई ली है, और लोहे की कढ़ाई में मैंने ये पहले तो ये आंवला और ये डाला, आंवला और करी पत्ता जो मैंने डाला वह ग्राइंड किया था वह डाल दिया उसमें, और उसके बाद ये चाय पत्ती का पानी मतलब ठंडा होने पर इसको डालना है। चाय पत्ती का पानी थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं इसको मैं और मैंने ये देखो नेचुरल कलर आता है इससे, नेहा रचनी मेहंदी बैग आता है इसका, तो इसको मैं पूरा ले आई थी मार्केट से, पाउडर है, और इसका बहुत अच्छा कलर आता है, मतलब वैसे कलर नहीं देता है जो कि रेड कलर दे दे, रेड कलर नहीं देता है, जो नेचुरल कलर है वही देता है, ज़्यादा रेड नहीं होता है ना, अच्छे से मतलब बाल अच्छे रहते हैं इससे। मैंने इसमें 3 4 4 चम्मच डाला है मेहंदी। मेहंदी डालने के बाद अब ये पानी ठंडा हो गया है, अब मैं इस पानी को मिक्स करती हूँ, और रात भर मैंने इसको भिगो दिया, और भिगोने के ये मैंने रात को भिगोई थी, और मेरे पास स्टैंड नहीं है, कुछ इस तरीके से बनाना पड़ रहा है, और मैं अभी ना इसको लगाती हूँ, अपने हाथ से लगाना है। और ये देखो मेहंदी लगा के बैठी हूँ मैं, और मेहंधी लगाने के मेरे बाद बाल बाल धोए मैंने, बाल धोने के बाद देखो ये मैं पूजा करने लगी हूँ, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, और मैं पूजा करने की तैयारी करने लगी थी, पूजा करते करते मैंने वीडियो क्लिक किया, और मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ।